simplytimepass.com में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ इंडियन डेलिकेसीज के बारे में कि इन इंडियन डेलिकेसीज का जन्म कैसे हुआ और इनका नाम कैसे पड़ा। अब बात करते हैं हम टुंडे कबाब की। इसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा और इन कबाब को अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो शायद आपने ज़रूर खाया ही होगा। ये एक डेलिकेसी है नॉन वेजिटेरियंस के लिए और कबाब ऐसे हैं, इसके टुंडे कबाब ऐसे कबाब हैं कि आप इन्हें मुंह में लेंगे और ये मुंह में मेल्ट कर जाएंगे। ये कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसमें 160 डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, मसाले होते हैं, जिसको खाते ही आपकी पूरी ज़ुबान में फ्लेवर्स ही भर जाते हैं और आप दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। टुंडे कबाब के पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो कहानी इस तरीके से है कि बहुत साल पहले एक नवाब हुआ करते थे अवध के, जिन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे और उनके बहुत ही सारे खान सामे थे जो उनके लिए टेस्टी खाने बनाते थे। मगर उम्र के साथ नवाब जी के दांत हो गए कमज़ोर। जब उनके दांत कमज़ोर हो गए तो उन्हें चाहिए था सॉफ्ट खाना और कबाब के तो वो वैसे ही बहुत शौकीन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करता हूँ और जो मुझे सबसे सॉफ्टेस्ट कबाब खिलाएगा कि मुझे चबाना ना पड़े, मैं मुँह में मेल्ट कर जाए, मैं उसको दूंगा रॉयल पैट्रनेज। अब सारे के सारे शेफ्स और सारे के सारे खानसा में लग गए टेस्टी कबाब बनाने में और सॉफ्टेस्ट ऑफ द सॉफ्टेस्ट कबाब बनाने में। आखिर सभी को नवाब जी को इम्प्रेस करना था क्योंकि सभी को चाहिए थी रॉयल पैट्रनेज। अब जब सब लग गए तो इसी दौरान एक शेफ था जिसका एक ही हाथ था, जिसका टुंडा था। अब उनका नाम था हाजी मुराद अली। अब जो वो शेफ थे, जब उन्होंने कबाब बनाए और जब नवाब जी ने उनके कबाब को खाया तो वो बहुत ही सॉफ्ट कबाब निकले और नवाब जी के मुंह में मेल्ट कर गए और नवाब जी को उस कबाब के 160 मसालों का टेस्ट का अनुभव हो गया और वो दूसरी जन्नत में ही पहुंच गए। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इस टुंडे शेफ को रॉयल पैट्रनेज दे दी। मगर टुंडे कबाब इमीडिएटली इतने फेमस नहीं हुए। ये फेमस हुए 1905 में लखनऊ में, जब एक रेस्टोरेंट खुला टुंडे कबाबी के नाम से और ये रेस्टोरेंट बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये इतना फेमस हो गया कि जब भी कोई लखनऊ जाता था वो टुंडे कबाब ज़रूर खाता था और देखते ही देखते टुंडे कबाब पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए और इस तरीके से ये टुंडे कबाब एक आइकॉनिक डिश इंडिया के बन गए। बस इसी तरह हम आपको और इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते रहेंगे और आपके मन को बहलाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे अनेक किस्सों के बारे में पता करना है और सुनना है और जानना है, simplytimepass.com खोलिए और अपना मन को बहलाइए, मनोरंजन उठाइए और इंजॉय कीजिए। और हाँ, सिंपली टाइम पास कीजिए।